नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। जनवरी 2021 सेजिटेरियस लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें से लग्न कुंडली देखिएगा। सबसे पहला घर है ये, इसमें नव लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपका नवी राशि है वो धनु राशि है और ये इसके बारे में बात है। धनु लग्न है अगर आपका तो ही देखिएगा। आप लोग गलती करते हैं, आपका चंद्र लिखा होगा वहाँ धनु लिखा होगा, वहाँ नव लिखा होगा। चंद्र लिखा है वहाँ धनु का मतलब है, नव लिखा है उसका मतलब नवी राशि आपका राशि है। लग्न की बात कर रहा हूँ मैं, लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस पर्टिकुलरली देखिए, यू आर अ वेरी रिलीजियस पीपल, यू आर रिलीजियस पर्सन। अगर आपका धनु लग्न है, यू आर वेरी रिलीजियस पर्सन। आप टीका लगाते हैं, मंदिरों में रेगुलर जाते हैं, भगवान को मानते हैं। और मैं एक सजेशन देता हूँ, याद रखिएगा बात को, कि जो भी धनु लग्न है उसको दूसरे धर्म के मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। यू आर द फेवरेट पीपल ऑफ द गॉड, भगवान के आप बहुत प्रिय हैं, आप काफी करीब जा सकते हैं आध्यात्म में। और ये जो सफर है अभी 1.5 साल का, ये आपके लिए पर्टिकुलरली 12वां केतु है, ये मोक्ष मार्गी केतु है। ये आपको 1.5 साल का, जस्ट अभी सितंबर 2022 में आया है, ये अप्रैल 22 तक यानी कि 2021 पूरा आपको आध्यात्म बना के छोड़ेगा। और ये आध्यात्म की सफर के आप आदमी, आप पर्सन मेल हो या फीमेल हो, जनरली इसमें मेल ज्यादा पैदा होते हैं। एंड यू आर वेरी लकी, लॉर्ड ऑफ द लक एंड कर्मस्थान, कर्मस्थान और भाग्य के स्वामी आपका हमेशा युति होता है, सूर्य बुध का युति होता है हमेशा कुंडली में। अधिकतर हमेशा बोलेगा तो 90% सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों साथ में चलते हैं, तो भाग्येश्वर कर्मेश की इस बार युति भी हुई है। इन शॉर्ट देखिए, मैं थोड़ा पास्ट में जाना चाहता हूँ। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर भाइयों के साथ के संबंध और मजबूत बने होंगे आपके, आप बना सकते हैं। जो जिस वक्त आपके हाथ में ये वीडियो आएगा, भाइयों के साथ का संबंध आप और हाथ में 4-5 दिन होंगे आपके, मजबूत बनाए, दोस्तों से संबंध मजबूत बनाए। फ्रेंडशिप में हो सकता है आपको बेनिफिट भी मिला हो, आपको भाई बहन से कोई अगर लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली 22 दिसंबर के पहले वो मुकम्मल कर दें। आपका वो चीज़ का अनुभव आपको आया होगा, कोई दोस्त से मांग सकते हैं। द बेस्ट टाइम है 23 दिसंबर से 6 जनवरी, आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। इन शॉर्ट 23 दिसंबर से 6 जनवरी अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ द टाइम टू टेक अ हाउस, घर को खरीदने का टाइम है। मामा के साथ का आपका डिफरेंस, मामा के साथ का आपका जो क्या बोल सकते हैं कि आप जो क्या बोल सकते हैं आप उसके साथ का आपका जो प्यार बढ़ाने का समय तो मामा के साथ का मन की शांति का ये बेस्ट टाइम है। 7 जनवरी से 20 जनवरी जो प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट साबित होगा, मतलब ये टाइम है 7 जनवरी से 20 जनवरी में, दिस इज द टाइम टू बी डिवोटेड टू योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे देखिए बहुत आज़ाद हुए, फिर भी आपका पास जो अभी जो समय है, मंगल आपके पंचम में है, बच्चे अभी सुनने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज द टाइम यू हैव टू स्पेंड विथ योर चिल्ड्रन। 7 जनवरी से 20 जनवरी आपको अपने बच्चों के पीछे, क्रिएटिविटी के पीछे डालना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। 21 जनवरी से 3 फरवरी आपको मांगना पड़ेगा, देखिए ये पैसा मांगने का समय है, हो सकता है मैटरनल अंकल से पैदा पड़े, कुछ पाला पड़े, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़े। और आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा आफ्टर 21 जनवरी टू 3 फरवरी। अभी देखिए दोस्तों, जॉबलेस लग्नेश धन स्थान में आया, निजभंग राजयोग हुआ है, 3 जनवरी इज द बेस्ट टाइम। अगर आपके हाथ में कोई डेट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, 3 जनवरी जॉबलेस के लिए अच्छा है। इन शॉर्ट 2021 पर्टिकुलरली अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक बहुत सितारे बहुत मजबूत है, टेक द बेनिफिट। आप अगर बिजनेस में एक्सपांशन करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कूद पड़ना चाहिए, अभी तो वक्त पूरा एकदम फेवर में है, अभी आपका बिजनेस को एक्सपांड करने का टाइम है। नौकरी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मैंने बताया ऐसा केयरफुल आफ्टर 21 जनवरी टिल 3 फरवरी, जो लोगों की उम्र ज्यादा है, जैसे कि देखिए 25 साल 30 साल तक लगभग लोग बीमार नहीं होते, लेकिन जब बीमार होने लगते हैं ऐसी टेंडेंसी है, लगभग 55-60 के बाद का ये खेल आता है, 60-65 के बाद। हेल्थ के लिए 21 जनवरी से 3 फरवरी में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, ये मेरा सजेशन है। कोई बहुत बड़ी शत्रुता से बचते रहिएगा इस समय में, हो सकता है लोन या कर्ज प्लान करेंगे आप, केयरफुल आफ्टर 21 जनवरी से 3 फरवरी तक। स्टूडेंट है तो आपको 21 जनवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चलता रहेगा। एक बार 21 जनवरी आ जाए स्टूडेंट के लिए
तो केयरफुल रहने के लिए स्टूडेंट के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है 3 फरवरी तक। और जो मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं उनके लिए तो मैं मानता हूँ 7 जनवरी से 20 जनवरी मोहब्बत वालों के लिए द बेस्ट है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कुछ इजहार करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो देखिए 12 जनवरी इज द बेस्ट। मैं इसका रीजन बताता हूँ। चंद्र शुक्र का युति हुआ 12 जनवरी को 149 AM को। इतनी सुबह तो इजहार नहीं हो सकता मोहब्बत का। 7-8 बजे तक का इंतजार करिएगा, 9 बजे तक का, 10 बजे तक का सेजिटेरियस का, पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का युति 12 जनवरी। तो ये लव का टाइम हो गया आपके लिए दोस्त हुआ इन लव ऑफ समवन। अभी मैरिज के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कोई अभी चांस नहीं है, क्योंकि देखिए गुरु का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर जो आप प्यार अगर शादी करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल के बाद, अप्रैल से सितंबर तक गुरु रेट्रो हो रहा है आपके आपके लिए कहीं ना कहीं से वो फायदेमंद साबित होगा। तो ये चीज आपके लिए पर्टिकुलरली 5 अप्रैल के बाद कोई विवाह का योग आएगा। अभी फिलहाल जनवरी में कोई विवाह का चांस नहीं है। जनरली ये बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई लड़की वड़की देखने को जाना प्रोग्राम बना रहे तो इसमें ज़्यादा फ्रूट पॉजिटिव आने का चांसेस कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिसाइड हो जाए मैरिज, लेकिन मैरिज अप्रैल तक होने की कोई संभावना नहीं है। अभी देखिए डेट वाइज का मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें से ये डेट को मैं केयरफुल रहने का बोल रहा हूँ। पर्टिकुलरली इन डेट को कहीं लिख के रखिएगा। चंद्र जब 6, 8, 12 में जाता है तो थोड़ा मानसिक तनाव लेता है। यू हैव टू बी केयरफुल। इन शॉर्ट दिस इज द बेस्ट ईयर। आप जो वक्त का इंतजार कर रहे हैं वो वक्त आ चुका है। अगर आप बेसिकली आप 7.5 से गुजर रहे हैं, देखिए राशि के हिसाब से 2 सेकेंड 7.5 के हिसाब से आप आपकी अगर जो धनु राशि है तो 7.5 से गुजर रहे हैं। ये 7.5 का आखिरी चरण है, 3.5 साल का 30 महीने का जो आखिरी चरण है उसमें ये पर्टिकुलरली समय बहुत अच्छा रहेगा। 1 जनवरी 2 जनवरी को 8वां चंद्र है, भले गजकेसरी योग बना है फिर भी थोड़े केयरफुल रहिएगा। 9 और 10 जनवरी को तो एकदम 12वां चंद्र है, केयरफुल रहना ही चाहिए। 23 और 24 जनवरी विल बी एन एक्सपेंसिव डे आपके हेल्थ के लिए, जो मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला हेल्थ के लिए देखिए। और 6वां चंद्र भी आ गया है जन्म के राहु के ऊपर से, तो 23 और 24 जनवरी को हेल्थ के लिए ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, दुश्मन पीड़ा करेगा ये भी हो सकता है। 28 और 29 जनवरी ये भी केयरफुल रहिएगा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। देखिए इन शॉर्ट इस महीने में एक मकर संक्रांति भी है, आपके लग्न में बहुत सारे अभी तो सूर्य है और बुध है, भाग्येश और कर्मेश का लग्न में है, यानी कि चांस नसीब सामने से आएगा, आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर आएगा। जब तक देखिए भाग्य सूर्य आपके लग्न में है 15 दिसंबर से 13 जनवरी में बहुत बड़ा ऑफर आपके सामने से आना चाहिए। मे बी रिलेटेड टू द फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनको भी एक चांस मिल सकता है, बेस्ट टाइम है अभी जनवरी में। इन शॉर्ट देखिए गुरु शनि तो यही है, सूर्य और बुध भी सड़क के आ रहे हैं। देखिए बुध आ रहा है 5 जनवरी से मकर राशि में और सूर्य 14 जनवरी से आ रहा है। तो ये 4 ग्रहों का युति, जब भी कोई स्थान में ज्यादा ग्रह जमा हो जाते हैं धनस्थान में लाभस्थान में, तो ये धनस्थान में होगा तो आर्थिक लाभ देगा, लाभस्थान में होगा तो ये प्रॉपर्टी देने की संभावना बताता है, यानी कि बहुत सबसे शुभ स्थान कुंडली में 11वां है, बट धनस्थान में ये युति हो रही है तो ये लाभ तो जरूर देगी आपको। मतलब जनवरी में आपके सितारे बुलंद होने चाहिए, नौकरी ढूंढ रहे तो नौकरी मिल जाएगा। थोड़ा मैं गज केसरी योग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके पहले आपको एक मकर संक्रांति का बताता हूँ। 8 से 10 बजे सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे सेकेंड हाउस में आपके, यानी कि धीरे धीरे बाद में उत्तर की तरफ सूर्य का क्रांति शुरू हो जाएगा, यानी कि संक्रांति को उत्तर की तरफ सूर्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको बोलते हैं मकर संक्रांति और इसको पर्टिकुलरली गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। इस 14 जनवरी से सूर्य, अगर आप रोज सूर्य को अर्घ देते हैं या तो रोज नमस्कार करते हैं सूर्य को प्रणाम करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा सूर्य एग्जैक्टली उस स्पॉट से नहीं, धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ से उठता हुआ दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रोज सूर्य वहां है, अभी धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और हमारा हिंदू बिलीफ ये है कि जो मकर संक्रांति में एक्सपायर होते हैं मकर संक्रांति के बाद, मतलब 14 जनवरी के बाद, उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है ऊंचाई की तरफ, मतलब पृथ्वी सूर्य जैसे सूर्य राजा है, सूर्य मतलब मेन जो ग्रहों का राजा है, कि हमारा सृष्टि चलती है सूर्य की वजह से,
तो सूर्य का उत्तर की तरफ जाना यानी कि ऊपर की तरफ जाने का मतलब है सृष्टि पर अभी सब पॉजिटिव कार्यक्रम शुरू होने चाहिए। जो भी मृत्यु जिनको नसीब होती है उनको मोक्ष मिलेगा, ये हमारी बिलीफ है। तो ये 8 से 10 बजे सुबह महापुण्य काल है। ऐसे पूरे दिन के दौरान आप 8:15 से 18:23 तक आप कभी भी दान पुण्य कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। अभी थोड़ी सी कोशिश करते हैं, मैं गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। देखिए महीने में कम से कम 4 गज केसरी योग बनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 गज केसरी योग भी बन जाते हैं। जनरली 2.25 दिन एक राशि में चंद्र रहता है, चंद्र 2.25 दिन रहता है यानी कि पूरे महीने में चंद्र जहाँ है वहाँ आ जाता है, और ये महीना अपना 31 दिन का है, ये 27 डेज में आ जाता है। तो ये कम से कम इसको इस तरह से देखें कि चंद्र देखिए अभी यहाँ होगा, यहाँ होगा गुरु के साथ, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तब गज केसरी योग बनेगा। जनरली गज केसरी योग मैंने बहुत इससे नॉट ए वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन द चार्ट, बट ट्रांजिट में ये काम आता है, गज केसरी योग का बहुत काम आता है ट्रांजिट में जब भी चलता है। चंद्र बने बहना होता है और गुरु बने पैसा होता है, तो इन दिनों में मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है। दोज हु आर डीलिंग विद द मार्केट, शेयर मार्केट से जो लोग काम करते हैं उनके लिए 7 जनवरी से 20 जनवरी बहुत बेस्ट टाइम है। आप जो सोचेंगे वो शायद बहुत हद तक आपका करेक्शन हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, करेक्शन नहीं करेक्ट हो सकता है। और ये गज केसरी योग के दिन अगर आप ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए तो ऑब्जर्व करिएगा, आपको लाभ हो सकता है। देखिए ये 1 जनवरी पर्टिकुलरली चंद्र जब ही पहला तो शुरुआत यहाँ से ही हुआ है, ये गज केसरी योग बना ही है आपको 1 जनवरी को। 1 जनवरी को देखिए प्रतियुति हुआ है 5:30 बजे सुबह, यानी कि सुबह 7-8 बजे 10 बजे तक आप कोई काम करते हैं, इट विल बी ए फाइनेंशियली गेनफुल टाइम। हो सकता है सैलरी पर्सन को सैलरी मिलेगी, बिजनेस पीपल कुछ और पैसे हाथ में आएंगे इनके। फिर 7 जनवरी 14 जनवरी 29 जनवरी और 21 जनवरी ये तारीख है और ये समय है। देखिए 14 जनवरी 8:25 को है सुबह, 7 जनवरी को 9 बजे रात को 9:30 के बाद यानी कि रात को 10 बजे है, 29 तारीख को सुबह 1 बजे है और 21 तारीख को शाम को है 6 बजे 15:45। अभी इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये आपके कुंडली पर दम आपके बर्थ चार्ट पर पड़ा है, डिपेंड्स है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस दिन को पैसे का आप डिमांड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, जनरली मैंने सेजिटेरियस को देखा है, देखिए ऐसा विशाल शरीर होता है और उसूल के बहुत पक्के होते हैं। सूर्य लग्न में आया है, देखिए सूर्य लग्न में आप 15 दिसंबर से 13 जनवरी आपका ईगो बहुत फड़फड़ाएगा, ध्यान में रखिएगा, यानी कि सेल्फ अपने आप से आपका ईगो को कंट्रोल कर लेंगे तो 15 दिसंबर से 13 जनवरी में आप बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे। सूर्य को जल दीजिएगा। अगर आप बहुत क्लैशिश यानी कि अपने आत्मसम्मान और अपनी परिस्थिति के साथ स्ट्रगल का ये समय है, बट लकी साबित होगा आपके लिए अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं। 14 जनवरी से मैंने बोला 11 फरवरी सेकेंड हाउस में गुरु भी सूर्य भी जाएगा, गुरु के साथ देखिए उसकी युति भी हो रही है 29 जनवरी को, और इस महीने में 16 जनवरी से गुरु अस्त हो जाएगा 11 फरवरी तक। देखिए ये अस्त हो जाएगा 16 जनवरी से, जैसे गुरु एकदम नजीक आता है, जैसे कि देखिए सूर्य गुरु का युति 29 जनवरी को हो रहा है, गुरु धीरे 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 सूर्य धीरे धीरे सूर्य गुरु के करीब आ रहा है। गुरु तो वही है, बहुत शॉर्ट मूविंग है वो प्लेयर, बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, सूर्य धीरे धीरे गुरु के पास बढ़ रहा है। और ये 16 जनवरी से 11 फरवरी तक ऐसा आपको लगेगा कि आपके सब काम रुके हुए, गुरु अस्त हो गया, आसमान में दिखाई भी नहीं देगा। जो लोग आप जैसे लोग हैं सेजिटेरियस लोग धनु लग्न, तो गुरु से जीने वाले लोग हैं, गुरु की ताकत से तो जिंदगी की गति थोड़ी टूटती हुई नजर आएगी। जो भी कार्यक्रम करना है मैंने बोला आपको 16 जनवरी के पहले कर लीजिएगा, इट विल बी बेस्ट। ये महीना मोहब्बत करने वालों के लिए बेस्ट है। दिस इज द टाइम टू टीच समथिंग टू योर चाइल्ड, आपके अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने का ये वक्त है। टेक द एडवांटेज, 20 जनवरी तक उसको कोई ना कोई सबक सिखाए आप। 21 जनवरी से 3 फरवरी तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ये गज केसरी योग का बेनिफिट लीजिएगा और ये केयरफुल रहने वाली डेट को कहीं लिख के रखिएगा। देखिए जिनका जन्म का मंगल अच्छा नहीं, जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपका ईगो का प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो सूर्य को जल दीजिएगा, गहू का दान कर सकते हैं आप, सूर्य को जल दीजिएगा और वो मंत्र करिएगा जपा कुसुम संकाशम काष्ठे माधितिम तमोरिम सर्व पापम न प्रण दोषमी दिवाकरम। 15 दिसंबर से 13 जनवरी आपकी हो सकता है प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, मगर आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। आपका ईगो अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो नुकसान में रह सकते हैं आप,
भाग्य लग्न में आया है सामने से चल के, ज्यादा बोल के बिगाड़िएगा नहीं। देखिए 17 दिसंबर से 4 जनवरी आपके बुध लग्न में आया है, बकवास करवाएगा। कर्मेश लग्न में है, काम धंधे में ऑफर देगा। सप्तमेश लग्न में 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया है, आपके पास कोई ना कोई ऐसा चीज आ जाएगा, मतलब जिससे पब्लिक संपर्क आपके ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए शुक्र 12वें स्थान में 11 दिसंबर से 3 जनवरी, इसको बराबर ठीक से समझ लीजिएगा, 11 दिसंबर से 3 जनवरी शुक्र 12वें में, यानी कि कोई भी फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा। औरत से सावधान रहिएगा, कोई गुप्त षड्यंत्र भी हो सकता है आपके खिलाफ औरत का कोई। 11 दिसंबर से 3 जनवरी में ध्यान में रखिएगा, सामने से अगर वो चित्र दिखता है, देखिए दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर, कोई गुप्त संबंध भी बन सकता है केतु शुक्र की युति आपके 12वें स्थान में, कोई औरत के पीछे खर्च भी हो सकता है। मैंने बोला ऐसा 7 जनवरी से 20 जनवरी तक पर्टिकुलरली, और देखिए ये 3 और 11 दिसंबर से 3 जनवरी तक कोई फीमेल के पीछे खर्च भी हो सकता है फैशनेबल चीज के पीछे। 4 जनवरी से 27 जनवरी तक आपके अंदर फैशनेबल चीज, जो प्यार का जो सागर उमड़ने वाला है 7 से 20 वाला, ये कोई ना कोई फीमेल से या लड़की से आप इम्प्रेस हो जाएंगे, ये भी हो सकता है आपके लिए। मैं ये समझता हूँ ये महीना बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ मिलके आपने जो दिसंबर महीने में जो प्लान कर रहे हैं, दिसंबर 3rd वीक में जो प्लान किया है, उसका फायदा आपको शॉर्ट टाइम में मिलेगा, यानी कि हो सकता है कोई ना कोई नई आइडिया आ जाए आपको 7 जनवरी के बाद। देखिए 23 दिसंबर से 6 जनवरी यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे आनंद में है, और 7 जनवरी से 20 जनवरी में एक आइडिया आ जाएगी आपको, और वो आइडिया पे आप काम करने लग जाएंगे पूरे महीने भर। और दिस इज द टाइम अ बिग जैकपॉट इज एक्सपेक्टेड फॉर द पीपल हु आर इन इवन इन अ शेयर मार्केट, जो लोग शेयर मार्केट में, उनको 7 जनवरी से 20 जनवरी में एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगने की संभावना है। मार्केट को अपने हिसाब से स्टडी कीजिएगा। देखिए ऑलरेडी गुरु जैसा ग्रह आपके सेकंड हाउस में आया, विजभंग राजयोग कर रहे हो, आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह सेकंड हाउस का हाउस में बैठा है, कौन सा ग्रह सेकंड हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र रहता है, वो भी जरूर देखिएगा। फिफ्थ हाउस को में अगर जो राहु केतु है, तो शेयर बाजार में भूल से भी नहीं जाइएगा, ये मेरा सजेशन है। आपका बर्थ चार्ट डेफिनेटली बहुत कुछ चीज कंट्रोल कर पाता है, तो ये देखा जोखा है इस महीने का आपका। पर्टिकुलरली जो लोग संकष्टि करते हैं उनके लिए 2 तारीख है संकष्टि, और विनायक चतुर्थी है 16 जनवरी को, तो ये संकष्टि का व्रत है। बेसिकली अगर आपको लगता है बच्चे आपके, देखिए आपके बच्चों के साथ पंगा होने का समय है 24 दिसंबर से 21 फरवरी का, उनको ठीक से हैंडल कर लीजिएगा 7 जनवरी से 20 जनवरी में, अदरवाइज ये बच्चे आपके लिए समस्या बनेंगे, ये बगावत का झंडा लहरा देंगे। सो गुड़, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, कोई गुरुद्वारा मंदिर में गुड़ का दान करिएगा, और संकष्टि का उपवास करिएगा अगर बच्चों से विवाद आ रहा है तो, आपका 2 जनवरी को और 16 जनवरी को। जो लोग प्रदोष करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, जैसे आपका अष्टमेश चंद्र है, प्रदोष का व्रत करते हैं उनको 10 जनवरी है प्रदोष, और 26 जनवरी का प्रदोष का व्रत वो कर सकते हैं इस महीने में। पर्टिकुलरली वन मोर थिंग, गुरु पुष्य नक्षत्र है 28 जनवरी को। देखिए पुष्य नक्षत्र की और एक खूबी है कि वो पोसता है, शनि के साथ है, मतलब पीला कलर का चीज अगर हम लेके आते हैं हमारे घर में तो शनि उसको पोसता है, यानी कि वो फिर बेचने का समय नहीं आता। सो लोग गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन गोल्ड खरीदते हैं, आपके पास अगर भगवान की कृपा हो तो 28 जनवरी को गोल्ड खरीद के देखिएगा, लाभदायक रहेगा। इन शॉर्ट दिस इज अ मंथ, दिस मंथ इज अ वेरी गुड मंथ, ट्राई टू डू सम एक्सपांशन इन योर बिजनेस, दोज हु आर जॉबलेस दे मे गेट अ गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग एट द एंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।